देखिए स्टूडेंट, तो जैसे कि आपको मालूम है हमारा सब टॉपिक हमारा यूनिट कौन सा चालू है, स्टैक एंड क्यूज, ठीक है। उसमें भी हमारा मेनली स्टैक हो चुका था कि बेसिक स्टैक क्या होता है, उसके ऑपरेशंस क्या होते हैं, पुश और पॉप क्या होता है, कैसे टॉप इंक्रीमेंट होता है, कैसे टॉप डिक्रीमेंट होता है। इट मींस कि जब हमें एलिमेंट क्या करना है, पुश करना है, तो पहले क्या कीजिए, टॉप इंक्रीज कीजिए फिर एलिमेंट इंसर्ट कर दीजिए, या फिर एलिमेंट हमें निकालना है तो पहले वो ऊपर का टॉप का एलिमेंट निकाल दीजिए और टॉप को क्या कर दीजिए, टॉप माइनस वन। ये सब आपको मालूम है। तो अभी हम देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक, भाई ये स्टैक के एप्लीकेशंस कहाँ पे है, और उसमें भी मेनली हम देखने वाले हैं आज क्विक सॉर्ट, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये समझ जाइए कि क्विक सॉर्ट जो है वो डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिदम टेक्निक्स में आता है, यानी कि एल्गोरिदम की बहुत सारी टेक्निक्स है, जैसे कि ग्रीडी एल्गोरिदम्स होते हैं, डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिदम होते हैं, डायनामिक प्रोग्रामिंग होती है, इन एंड सो ऑन। जैसे कि आपका, जैसे कि हमारा डीएस है, डाटा स्ट्रक्चर, आगे चल के आपको एक सब्जेक्ट आएगा नेक्स्ट सेमेस्टर में डिजाइन एनालिसिस एंड एल्गोरिदम, उसमें सभी टाइप्स के यानी कि एल्गोरिदम्स की कौन कौन सी कैटेगरीज है, किस किस टाइप के एल्गोरिदम्स रहते हैं, वो आपको दिया जाएगा। तो बेटा ये डिवाइड एंड कॉन्कर, डिवाइड एंड कॉन्कर का मीनिंग बहुत ही सिंपल है। क्या कीजिए, हर एक बार आपको प्रॉब्लम को क्या करना है, छोटे छोटे पार्ट्स में क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। फिर क्या करना है, वो छोटे छोटे पार्ट्स को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, और फिर उन सभी का आंसर आपको क्या कर देना है, मर्ज कर देना है। इसको बोलते हैं डिवाइड एंड कॉन्कर, यानी कि पहले प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में डिवाइड करते जाइए, बहुत सारे सब प्रॉब्लम्स एक साथ बन जाएंगे, उन सबको क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए, छोटे इंस्टेंसेस को यानी कि प्रॉब्लम को इंस्टेंस पे डिवाइड कर देना है, और फिर उन सॉल्यूशंस को कंबाइन कर दीजिए, तो हमारा जो फाइनल सॉल्यूशन है वो आ जाएगा। इसको बोलते हैं डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक ऑफ एल्गोरिदम्स, ठीक है। ये हम देखेंगे आगे चल के, हमें डार्क सब्जेक्ट भी देखना है, डिजाइन एनालिसिस एंड एल्गोरिदम, उसमें हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल में देखने वाले हैं कि कैसे क्विक सॉर्ट डिवाइड एंड कॉन्कर में आता है, और तब ये एल्गोरिदम हमें फिर से देखना है थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल में, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, ये क्विक सॉर्ट है। क्विक सॉर्ट जैसे आपको मालूम है, मेरा पढ़ाने का तरीका रिवर्स है कि भी बहुत सारे टीचर्स पहले एल्गोरिदम सिखाते हैं फिर इम्प्लीमेंटेशन बताते हैं, यानी एल्गोरिदम की एक एक स्टेप रीड करके वो आपको क्या बताएंगे कि हाउ दैट एल्गोरिदम विल इम्प्लीमेंटेड। पर ऐसा नहीं है, मैं आपको पहले इम्प्लीमेंटेशन बताऊंगा उसके बाद हम एल्गोरिदम रीड करेंगे, तो फिर आपको क्या हो जाएगा, वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे हमने स्ट्रेटेजी फॉलो की थी लिंक लिस्ट में, सेम स्ट्रेटेजी हम फॉलो करने वाले हैं इसमें भी, ठीक है। चलिए ये देखिए करना क्या है, सबसे पहले तो ये एलिमेंट्स दिए हुए मुझे, कितने एलिमेंट्स है भाई, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एलिमेंट्स का मुझे सपोज एक ए कैपिटल ए नाम का अरे दे दिया गया, इंटीजर अरे, ठीक है, जिसमें सबके सब डिस्टिंग एलिमेंट लिए गए, और हमें बोला गया भाई इसको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, ठीक है। इतना हमें टास्क परफॉर्म करने के लिए बोला गया, जैसे कि हमने स्टार्टिंग के यूनिट्स में भी सर्चिंग एंड सॉर्टिंग टेक्निक्स देखे थे, जैसे आपने बबल सॉर्ट देखा होगा, ठीक है, या फिर सर्च में आपने लीनियर और बाइनरी सर्च पहले से ही देखा है, तो अब हमें देखना है क्विक सॉर्ट, ठीक है। बबल सॉर्ट आप देख चुके हो पहले भी, ठीक है। नेक्स्ट, तो सबसे पहले तो पहले एलिमेंट को हम पाइवट एलिमेंट बोल देते हैं, या फिर ऐसा समझिए कि हमारा जो पास वन है वो पास वन हमें क्या अचीव करके देगा, भाई मैंने फर्स्ट एलिमेंट को मार्क कर दिया, तो भाई आफ्टर कंप्लीटिंग फर्स्ट पास, यानी ये पहला पास कंप्लीट होने के बाद ये हमारा 44 अपनी प्रॉपर पोजिशन पर आ जाएगा, ठीक है। अब ये 44 कैसे अपनी प्रॉपर पोजिशन पर आ जाएगा, उसके लिए हमें पूरा पास देखना पड़ेगा कि कैसे वो हमारा रन होने वाला है ईच एंड एवरी स्टेप। देखिए इधर, अब ये पासेस क्या होते हैं, ये मैंने आपको बबल सॉर्ट में भी सिखाया था कि भाई एक स्टेप, एक बड़ी स्टेप को क्या बोला जाता है, एक पास। जैसे कि बहुत बार जैसे सिलेक्शन सॉर्ट वगैरह को n-1 पासेस लगते हैं, ठीक है। देखिए तो अब हम एक काम करते हैं, पहले इसका इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे इसका फॉर्मल एल्गोरिदम, ठीक है। नेक्स्ट, सबसे पहले क्या करना है आपको, ये जो अरे है, ये अरे को आपको राइट टू लेफ्ट, यानी कि राइट टू लेफ्ट आपको क्या करना है, स्कैन करना है, और ये जो 44 है, 44 से हमें छोटा एलिमेंट ढूंढना है, ठीक है। चलिए देखिए, मुझे बताइए क्या ये 66 44 से छोटा है, नहीं। 88 छोटा है क्या 44 से, नहीं। 22 छोटा है क्या 44 से, यस। तो उसके ऊपर मैं क्या कर देता हूं, एक ओवरलाइन कर देता हूं, ओवरलाइन यानी कि वो नंबर के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं मैं, ठीक है। यानी कि मैंने क्या किया, मैंने राइट टू लेफ्ट स्कैन किया और 44 से छोटा नंबर ढूंढा और वो मुझे मिल गया कितना, 22। तो अब क्या कीजिए आप, ये 22 और 44 को क्या कर दीजिए, इंटरचेंज कर दीजिए। तो इसको इंटरचेंज कर देंगे तो बेटा ये 22 इधर आ जाएगा, 33, 11, 55, 77, 90, 40,
60, 99, 44, 88, 66. देखिए भाई ये समझिए क्या स्टेप वन क्या किया, राइट टू लेफ्ट स्कैन किया और 44 से छोटा एलिमेंट ढूंढा, मिल गया कौन सा 22, उसको हमने 44 के साथ क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, आई बात समझ में। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या करना, अब इसी सेम अरे को देखिए, ये एक क्विक शॉट हमारा, एक इन प्लेस हमारा ये है, देखेंगे वो मैं आपको बाकी डिटेल्स आपको बाद में देता हूँ, फिलहाल हमें कन्फ्यूजन का मैटर करना नहीं है। देखिए इधर अब क्या कीजिए, रिवर्स स्कैन कीजिए, यानी कि लेफ्ट टू राइट। ठीक है, लेफ्ट टू राइट स्कैन करते समय क्या देखना है आपको, आपको देखना है कि ये जो 44 है 44 से बड़ा एलिमेंट। ठीक है, क्या देखना है, 44 से बड़ा एलिमेंट। ठीक है, तो मुझे बताइए हाँ, ये 44 से बड़ा एलिमेंट जो देखना है वो कहाँ देखना है, 22 के बाद। ठीक है, तो बताइए देखिए छोड़ी स्टार्टिंग से ही देखिए, क्या भाई यहाँ पे बड़ा एलिमेंट है क्या 44 से, नहीं। 33 बड़ा है क्या 44 से, नहीं। 11 बड़ा है क्या, नहीं। 55 बड़ा है, यस। तो उसके नीचे मैं क्या कर देता हूँ, अंडरलाइन कर देता हूँ, यानी कि मैं जब लेफ्ट से राइट स्कैन कर रहा हूँ तब मैं बड़ा नंबर देख रहा हूँ और मैं तब अंडरलाइन करता हूँ, जब मैं राइट टू लेफ्ट स्कैन करता हूँ तब मैं छोटा एलिमेंट देखता हूँ और ओवरलाइन करता हूँ। ठीक है, मेरी एक एक बात ध्यान से सुनिए। अब क्या हुआ कि ये जो 55 है ये 44 से क्या है, बड़ा है, इसके नीचे मैंने अंडरलाइन कर दी, यानी ये अंडरलाइन वाला आइटम क्या आ रहा है, अंडरलाइन वाला जो ये है नंबर वो पहले आ रहा है 44 के। तो अब इसको क्या कर दीजिए, इन दोनों को क्या कर दीजिए, इंटरचेंज कर दीजिए। इंटरचेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा 22, 33, 11, 44, 77, 90, 40, 60, 99, 55, next, 88, 66. ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब हमने क्या किया, फिर से प्रोसीजर क्या करना है, फिर से प्रोसीजर आप राइट टू लेफ्ट स्कैन कीजिए और ये जो 44 है 44 से आप कौन सा एलिमेंट देखिए, बताइए। राइट टू लेफ्ट स्कैन करता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ, छोटा एलिमेंट, तो 44 से छोटा एलिमेंट देखिए भाई, ये छोटा है क्या, नहीं। 44 से छोटा है, नहीं। 44 से छोटा, नहीं। 44 से छोटा, नहीं। ये नहीं, ये तो भाई 44 से छोटा एलिमेंट मिल गया, उसको मैंने क्या कर दी, ओवरलाइन कर दी। अब मुझे बताइए ये ओवरलाइन वाला एलिमेंट हमेशा ये सर्कल वाले एलिमेंट के बाद ही आना चाहिए। बेटा ओवरलाइन वाला एलिमेंट हमारा 44 के पीछे आ रहा है, बाद में आ रहा है, तो बेटा ओवरलाइन वाला एलिमेंट हमेशा बाद में ही आना चाहिए। अगर बाद में आता है तो हमें क्या करना है, इनको इंटरचेंज करना है। चलिए इनको इंटरचेंज कर देते हैं, 22, 33, 11, 40, 77, 90, 44, 60, 99, 55, 88, next, 66 कर दिया। नेक्स्ट अब क्या करना है, अब फिर से लेफ्ट टू राइट स्कैन करना है और बड़ा एलिमेंट देखना है 44 से। भाई ये बड़ा है क्या 44 से, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, यस ये बड़ा है, तो इसके नीचे क्या कर दीजिए, अंडरलाइन। अंडरलाइन वाला एलिमेंट हमेशा सर्कल वाले एलिमेंट से पहले ही आना चाहिए। अगर अंडरलाइन वाला एलिमेंट पहले आता है सर्कल वाले एलिमेंट से तो इंटरचेंज करना है। ओवरलाइन वाला एलिमेंट अगर सर्कल वाले एलिमेंट के बाद आता है तो इंटरचेंज करना है। दो कंडीशंस ये मैं आपको लर्न करवा दूंगा, पहले फिलहाल देखिए ये मेरी टर्मिनोलॉजी है, बुक में ऐसे नहीं लिखा हुआ है कि आप अंडरलाइन एंड ओवरलाइन कीजिए, पर ये अंडरलाइन और ओवरलाइन के कंसेप्ट से आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा कि हमें क्या करना है और कब तक करना है। ठीक है, कब तक करना है वो इंपॉर्टेंट है। तो बेटा मुझे ये मिल गया एलिमेंट, बड़ा एलिमेंट 77, वो भी अंडरलाइन वाला एलिमेंट मुझे सर्कल के एलिमेंट से पहले मिल गया है, तो बेटा इंटरचेंज करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 22, 33, 11, 40, 44, 90, 77, 60, 99, 55, 88, 66. नेक्स्ट क्या स्कैन करना है भैया, राइट टू लेफ्ट क्या देखना है, 44 से छोटा एलिमेंट। भाई 44 से छोटा एलिमेंट देखिए, छोटा है, नहीं। ये छोटा है 44 से, नहीं। 44 से छोटा है, 44 से छोटा है, 44 से छोटा है, नहीं। 44 से छोटा है, नहीं। 44 से छोटा है, नहीं। 44 नहीं, ये तो सर्कल वाला एलिमेंट है। 44 से छोटा एलिमेंट है ये, नहीं। 44 से छोटा है, यस। तो इसके ऊपर क्या कर दीजिए, ओवरलाइन। पर अब मुझे बताइए, अब बेटा ये जो ओवरलाइन वाला एलिमेंट है
वो तो सर्कल के एलिमेंट्स यानी सर्कल वाले एलिमेंट से तो पहले आ गया है। बेटा ऐसे नहीं चलता है, मैं अभी तक के इंटरचेंज कब कर रहा था? देखिए ओवरलाइन वाला एलिमेंट हमारे सर्कल वाले एलिमेंट के बाद आना चाहिए था, तो हमने इंटरचेंज किया था। ठीक है, देखिए ये मैंने यहाँ पे राइट टू लेफ्ट स्कैन किया था, फिर मैंने यहाँ पे राइट टू लेफ्ट स्कैन किया था, तो देखिए ये 40 जो है ओवरलाइन वाला एलिमेंट, ये 44 यानी कि सर्कल वाले एलिमेंट के बाद आया था, तो मैंने इंटरचेंज किया था। तीसरी बार जब मैंने ये राइट टू लेफ्ट स्कैन किया तो छोटा एलिमेंट जो आया वो आया 40, पर अब ये ओवरलाइन वाला एलिमेंट तो बेटा सर्कल के पहले आ गया है, ऐसा नहीं चलता है। अगर ऐसा होता है तो वहाँ पे आप क्या कर दीजिए, उसको स्टॉप कर दीजिए, और यहाँ पे हमारा क्या हुआ, पास वन कंप्लीट हुआ। पास वन क्या हुआ हमारा, कंप्लीट हुआ। तो बेटा ये पास वन में हमने अचीव क्या किया, अचीव क्या हुआ पास वन में? तो अब देखिए इधर, अब ये जो हमारा अरे है इसमें देखिए 44 के लेफ्ट हैंड साइड में 22, 33, 11, 40, 44 से चारों भी छोटे एलिमेंट्स हैं। अच्छा 44 के बाद देखिए 90, 77, 60, 99, 55, 88, 66 यानी कि 44 के बाद सभी बड़े एलिमेंट्स हैं, यानी इट मीन्स मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये 44 अपनी प्रॉपर पोजिशन पर आ गया है। अरे हाँ कि नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए 40 के पहले सब छोटे हैं, 44 के पहले सब छोटे हैं, 44 के बाद सब बड़े हैं। इट मींस 44 ने तो अपनी प्रॉपर पोजीशन क्या कर ली है, अचीव कर ली है, यानी कि एक पास के बाद हो क्या रहा है, एक एलिमेंट अपनी प्रॉपर पोजीशन एक्वायर कर ले रहा है। ठीक है, पर ये एक एलिमेंट जो अपनी प्रॉपर पोजीशन पे आ गया, तो अब आगे क्या करना है ये बताने से पहले मैं आपको ये जो मैंने किया हुआ है टास्क, यानी इसको बोलते हैं रिडक्शन स्टेप। ठीक है, तो ये मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, सो दैट आपको लर्न हो जाना चाहिए। क्या करना है, सबसे पहले मैंने पहले एलिमेंट को पाइवट एलिमेंट क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, भाई पहले एलिमेंट को मुझे अपनी प्रॉपर पोजीशन पे लाना है, उसको मैंने क्या कर दिया, सर्कल कर दिया। आपको भी यही टर्मिनोलॉजी फॉलो करनी है। फिर मैंने पहले राइट टू लेफ्ट स्कैन किया और 44 से क्या देखा मैंने, छोटा एलिमेंट 44 से छोटा एलिमेंट, तो बेटा 44 से छोटा एलिमेंट मुझे जो मिला वो ये मिला 22, उसके नीचे मैंने क्या कर दी ओवरलाइन, उसके ऊपर मैंने ओवरलाइन कर दी, यानी कि ऊपर लाइन ड्रॉ कर दी। तो ओवरलाइन वाला एलिमेंट अगर सर्कल के एलिमेंट के बाद आता है तो उसको इंटरचेंज करना है, मैंने इंटरचेंज क्या कर दिया। सेकेंड बार में हमें लेफ्ट टू राइट स्कैन करना है और 44 से बड़ा एलिमेंट देखना है, 55 मिला, मैंने उसके नीचे अंडरलाइन किया। और जब भी अंडरलाइन वाला एलिमेंट सर्कल वाले एलिमेंट से पहले आता है उनको क्या करना है, इंटरचेंज करना है। ये स्टेप्स रिपीट करना है बार बार, यानी फिर से मैंने राइट टू लेफ्ट स्कैन किया, 44 से छोटा देखा 40, उस पर ओवरलाइन किया, ओवरलाइन वाला एलिमेंट सर्कल वाले एलिमेंट के बाद आया तो मैंने उनको क्या कर दिया, इंटरचेंज किया। फिर से लेफ्ट टू राइट मैंने स्कैन किया, बड़ा एलिमेंट देखा वो मिला 77, उसके नीचे अंडरलाइन की, अंडरलाइन वाला एलिमेंट सर्कल वाले एलिमेंट के हमेशा पहले आना चाहिए, ऐसा होता है तो इंटरचेंज कीजिए, किया। फिर से राइट टू लेफ्ट स्कैन किया, 44 से छोटा देखा वो मिला 40, उसके ऊपर ओवरलाइन की, पर अब ओवरलाइन वाला एलिमेंट मुझे 44 यानी सर्कल वाले एलिमेंट के पहले ही मिल गया, ऐसा नहीं चलता है। अगर ओवरलाइन वाला एलिमेंट सर्कल वाले एलिमेंट के पहले मिल गया या फिर अंडरलाइन वाला एलिमेंट सर्कल के बाद मिल गया तो बेटा वहां पे क्या हो जाएगा, पास खत्म हो जाएगा। समझ जाइएगा कि यहां पे एक पास कंप्लीट हो गया और जो सर्कल वाला एलिमेंट है उसने अपनी प्रॉपर पोजीशन एक्वायर कर ली है। आई बात समझ में? और एक कंसेप्ट है यहाँ पे कि बेटा मैं बार बार पूरे अरे को मुझे स्कैन नहीं करना है, यानी 44 को क्या करना है मुझे, हर एक एलिमेंट के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही बार मुझे क्या करना है, कंपेयर करना है, यानी कि एक पास में मैक्सिमम बोला जाता है n कंपैरिजंस लगने चाहिए। तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि 44 को बार बार राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट सभी एलिमेंट से कंपेयर करेंगे, ऐसा नहीं करना है। देखिए हो क्या रहा है एक्चुअली मैंने 44 को कंपेयर किया पहले 66 से, 88 से, 22 से, ठीक है, तो ये 22 आ गया हमारा, ठीक है 22, फिर मैंने इन दोनों को क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, तो बेटा 22 कहाँ पे आया, यहाँ पे। तो जब मैंने नेक्स्ट अटेम्प्ट में लेफ्ट टू राइट स्कैन करना शुरू किया तो बेटा वो मैंने 22 के आगे स्कैन करना शुरू किया, ठीक है, नेक्स्ट वो मिला मुझे 55 और 44 मैंने इंटरचेंज कर दिया तो 55 कहाँ आ गया था, यहाँ पे आ गया था, ठीक है। तो बेटा अब जब मैंने राइट टू लेफ्ट यानी कि राइट टू लेफ्ट फिर से स्कैन करना शुरू किया तो वो मैंने बेटा 66 और 88 को स्कैन नहीं किया था, या मैंने 44 को 66 और 88 से कंपेयर नहीं किया था, बेटा ये ऐसा था कि भाई ये 55 इंटरचेंज होकर इधर आया है, इसका मतलब 55 के पीछे बाय डिफॉल्ट उससे बड़े एलिमेंट होंगे,
आई बात समझ में? तो मैंने जब ये यहाँ पे ये इस स्टेप में मैंने जब राइट टू लेफ्ट स्कैन किया था तो बेटा मैंने वो 55 के इधर ही चेक किया था कि क्या 44 से छोटा नंबर है, यानी कि 99, 60 और 40, सिर्फ ये तीन ही नंबर को मैंने चेक किया था और यहाँ पे मिल गया था। फिर मैंने ये इंटरचेंज किया तो बेटा ये 40 यहाँ पे आ गया। तो अब मैंने फिर से मैंने क्या चेक किया, यहाँ से लेफ्ट टू राइट जब गया तो मैंने देखा भाई 44 से बड़ा नंबर देखना है, तो बेटा वो मैंने 40 के बाद ही चेक करना शुरू कर दिया क्योंकि 40 के पहले तो छोटे नंबर आ चुके थे। आ रही है बात समझ में? यानी मैं बार बार पूरा स्कैन नहीं करता हूं, ये जो हमने इंटरचेंज किया हुआ है उसके बाद ही वो स्कैनिंग शुरू होती है, चाहे वो लेफ्ट टू राइट हो या फिर राइट टू लेफ्ट हो। इट मींस कि जो मैंने ये राइट टू लेफ्ट किया था वो मैंने 55 के इधर ही चेक किया हुआ है, और ये जो मैंने लेफ्ट टू राइट स्कैन किया हुआ और चेक किया हुआ है कि भाई बड़ा एलिमेंट है कि नहीं, तो बेटा वो मैंने सिर्फ 40 के बाद ही चेक किया हुआ है। आ रही है बात समझ में? बहुत ही ज़्यादा क्या है, ये सिंपल है। ऐसा करना है, बार बार आपको राइट टू लेफ्ट स्कैन करना है, छोटा एलिमेंट देखना है, छोटा एलिमेंट अगर बाद में आता है सर्कल के तो इंटरचेंज करना है, फिर लेफ्ट टू राइट स्कैन करना है, बड़ा एलिमेंट देखना है, बड़ा एलिमेंट अगर सर्कल के एलिमेंट के पहले आ जाता है तो इंटरचेंज करना है। ऐसा नहीं होता है तो रुक जाइए, पास खत्म, ठीक है। चलिए, इतना करने के बाद क्या हो जाएगा, ये एल्गोरिदम हमारा इस अरे को दो सब लिस्ट में डिवाइड कर देगा। इसको बोलते हैं हम फर्स्ट सब लिस्ट, इसको बोलते हैं हम सेकंड सब लिस्ट, इसको क्या बोलेंगे हम सेकंड सब लिस्ट, ठीक है। हाँ, और एक बात कि बेटा हम ये जो क्विक सॉर्ट देख रहे हैं वो एप्लीकेशन ऑफ स्टैक देख रहे हैं, तो भाई यहाँ पे स्टैक का यूज क्या, तो स्टैक का यूज क्या उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एक आ जाएगा, एक लोअर नाम का हमारा एक ये रहेगा स्टैक, और एक स्टैक रहेगा यहाँ पे अपर नाम का, एक स्टेप रहेगा अपर नाम का, ठीक है। इसमें इनिशियली इसका बिगनिंग यानी कि पहला पोजीशन, पहला क्या है यहाँ पे 1, और लास्ट एलिमेंट कौन सा नंबर है 12th नंबर का, तो इसमें यानी कि पहले क्या था 1 और 12। तो बेटा यहां से क्या करना है, ये लोअर और अपर ये दोनों स्टैक कंबाइनली क्या स्टोर करते हैं भाई, वो अरे की लेंथ स्टोर करते हैं कि भाई यानी कि जैसे कि पहले इनिशियली वो क्या होगा, पूरा अरे को हमने क्या करना है, सॉर्ट करना है। तो बेटा इसमें आ जाएगा लोअर में 1 और इसमें आ जाएगा अपर में 12, यानी कि पहला एलिमेंट और 12 भी टोटल 12 एलिमेंट्स है। पर ये पहला पास कंप्लीट होने के बाद हमारा अरे तो बेटा दो सब लिस्ट में डिवाइड हो गया। तो बेटा दो सब लिस्ट कौन सी, देखिए ये 1, 2, 3, 4, यानी कि ये शुरुआत के चार एलिमेंट अलग, यानी कि 1 से लेके कहाँ तक 4 तक। अच्छा, ये फिफ्थ एलिमेंट तो हमारा प्रॉपर पोजीशन पे आ गया। फिर ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी 6 से लेके 12 तक के लिए हमारा क्या आ गया, सेकंड आ गया। यानी कि हो क्या रहा है, स्टैक में पहले इनिशियली क्या था, 1 था यहाँ पे और 12 था, यानी कि टॉप इसको पॉइंट कर रहा था, ठीक है, ये टॉप इसको पॉइंट कर रहा था। आ रही है बात समझ में? फिर हमने क्या किया, ये 1 और 12 को हमने निकाल दिया, पॉप कर दिया, 1 और 12 को हमने क्या कर दिया, पॉप कर दिया, और हमने क्या कर दिया, ये रिडक्शन स्टेप अप्लाई कर दी। पर जैसे ही हमने ये रिडक्शन स्टेप अप्लाई की तो बेटा ये फर्स्ट सब लिस्ट और ये सेकंड सब लिस्ट दो सब लिस्ट और बन गई। तो इन दोनों सब लिस्ट को मैंने मुझे यहाँ पे डालना है, तो मैंने टॉप को 1 से इंक्रीमेंट किया और यहाँ पे डाल दिया 1 और यहाँ पे डाल दिया 4। भाई ये हमारी सेकंड ये सब लिस्ट, अब यानी कि ये पहली सब लिस्ट आ गई इधर, ठीक है। नेक्स्ट, फिर से मैंने टॉप को क्या किया, इंक्रीमेंट किया, ठीक है, टॉप थर्ड पोजिशन पर पॉइंट करेंगे आप, टॉप को मैंने फिर से इंक्रीमेंट किया और अब मैंने क्या डाल दिया, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी कि 6 से लेके 12 तक, भाई ये हमारी एक क्या है, सब लिस्ट है, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमारा टॉप क्या है, 6 और 12, तो स्टैक में पॉप कहाँ से होता है, टॉप से। तो बेटा ये 6 और 12 हमने पॉप किया और ये हमने फिर से यहाँ पे ले लिया। बताइए 6 से लेके 12 तक के एलिमेंट्स क्या है अब हमारे बारे में, तो वो है बेटा 90, 77, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 पोजिशन का एलिमेंट, ठीक है, 90, 77, 60, नेक्स्ट 99, 55, 88, नेक्स्ट 66, ठीक है। मैंने फिर से ले लिया पहला एलिमेंट क्या, 90। देखिए मैं फिर से परफॉर्म करता हूँ, यानी कि ये मैंने यहाँ से पॉप कर दिया और अब फिर से हमारा क्या आ गया, उसको हम सॉल्व कर रहे हैं सेकंड सब लिस्ट को, क्योंकि बाय डिफॉल्ट स्टैक का टॉप ही क्या होता है, पॉप होता है। तो बेटा 6 से लेकर 12 तक हमारा ये लिस्ट मिली, तो इस लिस्ट को हम सॉल्व कर देते हैं। चलिए देखिए जल्दी से, 90 से क्या देखना है, छोटा एलिमेंट, भाई 90 से छोटा एलिमेंट तो 66 यही है। चलिए तो इसको क्या कर दीजिए, इंटरचेंज कर दीजिए, इसको इंटरचेंज कर देंगे तो देखिए इधर ये ऐसा हो जाएगा, 66, 77, 60, 99, 55, 88, 60, ओ सॉरी
90, ठीक है, ये 90 तो सर्कल वाला एलिमेंट है, इसको सर्कल ही रहने दीजिए। अब क्या करना है, इधर लेफ्ट टू राइट स्कैन करना है और मुझे बड़ा एलिमेंट देखना है 90 से, तो बेटा 90 से बड़ा एलिमेंट 66 के बाद ही देखिए, ये बड़ा है क्या 90 से, ये नहीं, ये बड़ा है, तो ये आ गई अंडरलाइन। अंडरलाइन वाला एलिमेंट अगर पहले आता है तो इंटरचेंज होता है, चलिए कीजिए इंटरचेंज, तो ये हो जाएगा 66, 77, 60, 90, 55, 88, नेक्स्ट 99। अरे आ रही है क्या बात समझ में, ये मैंने इंटरचेंज कर दिए। नेक्स्ट फिर से राइट टू लेफ्ट देखिए, क्या देखना है, ये 90 एलिमेंट से मुझे क्या देखना है, 90 एलिमेंट से छोटा एलिमेंट, ठीक है, पर 99 के इधर देखना है, तो भाई 90 से छोटा तो 80 है, इस पर क्या कर दीजिए, ओवरलाइन कर दीजिए, और ओवरलाइन अगर बाद में आती है तो इनको इंटरचेंज कर दीजिए, तो बेटा ये हो जाएगा 66, 77, 60, 88, 55, 90 और ये 99, ठीक है, ये 88 हमने इंटरचेंज किया। अब फिर से लेफ्ट टू राइट स्कैन कीजिए और क्या देखिए, बड़ा एलिमेंट किससे, 90 से, पर कहाँ से देखना शुरू करना है, 88 के बाद, ठीक है, 88 के पहले तो उसके सब छोटे आ गए हैं, ठीक है, 88 के बाद, तो बेटा 88 के बाद 55 बड़ा है क्या 90 से, नहीं, 90 नहीं, 99 बड़ा है, तो बेटा 99 बड़ा है तो इसके नीचे क्या आ जाएंगी, अंडरलाइन आ जाएंगी, पर बेटा अंडरलाइन वाला एलिमेंट तो सर्कल सर्कल वाले एलिमेंट के बाद आया, ऐसा नहीं चलता है, अगर ऐसा होता है तो वो पास क्या हो गया भाई, वो पास कंप्लीट हो गया, पास कंप्लीट हो गया, एंड 90 ने अपनी, यानी कि व्हाट्सएप की भाषा में लिखूं, 90 ने अपनी प्रॉपर पोजीशन एक्वायर कर ली है, कैसे पता, देखिए 90 के इधर देखोगे आप तो क्या आ जाएगा, उससे सब छोटे आ जाएंगे, 90 के बाद सब बड़े आ जाएंगे। अब मैं बोलता हूं भाई 90 के बाद एक ही एलिमेंट है 99, तो बेटा उसको तो कुछ हमें करना नहीं है, क्योंकि सॉर्टिंग जो होंगी वो मिनिमम 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स की सॉर्टिंग करना पॉसिबल है, एक ही नंबर है तो बेटा वो खुद ही सॉर्टेड है, यानी कि ये 12th नंबर का एलिमेंट खुद ही क्या हो गया, सॉर्ट हो गया। और अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे दो सबलिस्ट बनी, ये पहली ये दूसरी, पर ये एक ही एलिमेंट की है तो ये काम की नहीं है, ये हमारे काम की है, ये हमारे काम की है, तो बेटा ये एलिमेंट की पोजिशन क्या थी, 6 थी ना, 6, 7, 8, 9, 10, तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा फिर से टॉप अपडेट होके, यहाँ पे आ जाएगा 6 और यहाँ पे आ जाएगा 10। अब फिर से 6 और 10 को पॉप करके पहले इसको सॉल्व किया जाएगा, ऐसा बार बार क्या करते जाएंगे, जब भी सब लिस्ट बनेंगी वो हमारे स्टैक में लोअर और अपर में आ जाएंगी, यहाँ से एक एक हमें क्या करना है, सब लिस्ट पॉप करना है और उनको रिड्यूस करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, ऐसा करते करते पूरे बहुत सारे सॉल्यूशंस जमा हो जाएंगे हमारे पास, कलेक्ट हो जाएंगे, इन सबको आखिरी में मर्ज कर देना है और उसको बोलते हैं क्विक सॉर्ट। अब आई बात समझ में, क्विक सॉर्ट को डिवाइड एंड कॉन्कर क्यों बोला जाता है, हर बार प्रॉब्लम क्या हो जा रहा है, दो न्यू सबलिस्ट में क्या हो जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है, आ रही है बात समझ में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, इंपॉर्टेंट क्या था, पहले राइट टू लेफ्ट स्कैन कीजिए, क्या देखिए, छोटा एलिमेंट, छोटा एलिमेंट आता है तो उसको क्या कीजिए, ओवरलाइन, छोटा एलिमेंट अगर सर्कल एलिमेंट के बाद आता है तो उसको कीजिए इंटरचेंज, फिर सेकंड पास में क्या, सेकंड टाइम में क्या कीजिए, लेफ्ट टू राइट स्कैन कीजिए और पाइवट एलिमेंट यानी सर्कल वाले एलिमेंट से बड़ा एलिमेंट देखिए, उसके नीचे अंडरलाइन कीजिए, ठीक है, और फिर अंडरलाइन वाला एलिमेंट अगर सर्कल वाले एलिमेंट से पहले आता है तो क्या कर दीजिए, इंटरचेंज कर दीजिए, ठीक है, ऐसा करते जाइए जब तक अंडरलाइन वाला एलिमेंट पहले आता है, इंटरचेंज करते जाइए, अगर राइट टू लेफ्ट स्कैन कर रहे हो तो जब तक ओवरलाइन वाला एलिमेंट सर्कल के एलिमेंट के बाद आता है, इंटरचेंज करते जाइए, इसकी अपोजिट सिचुएशन आ गई तो क्या कर दीजिए, स्टॉप कर दीजिए, वहां पे पास क्या हो गया हमारा, कंप्लीट हो गया, और तब हमारे वो सर्कल वाले एलिमेंट ने प्रॉपर पोजीशन एक्वायर कर ली है, उसके लेफ्ट में सब छोटे एलिमेंट होंगे, उसके बाद सभी बड़े एलिमेंट होंगे, जैसे यहाँ पे ये पास कंप्लीट हुआ तो 44 से छोटे इधर आ गए, 44 से बड़े इधर आ गए, इट मींस 44 ने अपनी प्रॉपर पोजीशन एक्वायर कर ली है, बेटा इसको बोलते हैं क्विक सॉर्ट, आई बात समझ में, ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि भाई माखीजा सर के पढ़ाने के बाद समझ में आता ही है, इसकी गारंटी है, ठीक है, अगर नहीं भी समझा हो तो वीडियो के लास्ट में और स्टार्टिंग में मेरा नंबर है, हमारे इंस्टीट्यूट का नंबर है, उस पर आप कॉल कीजिए, हमसे डिफ़िकल्टी पूछिए, जैसे ही हमारा नेक्स्ट सेशन आएगा पहले आपकी डिफ़िकल्टी सॉल्व की जाएंगी, उसके बाद नेक्स्ट सब टॉपिक शुरू होगा, यानी कि जैसे कि इसके बाद मुझे रिकर्शन लेना है, तो जब मैं रिकर्शन स्टार्ट करूंगा, अगर आपको इसमें कोई डिफ़िकल्टी है तो मुझे आप मैसेज कर दीजिए, पहले आपकी डिफ़िकल्टी एक्सप्लेन की जाएंगी, उसके बाद हम रिकर्शन शुरू,
करेंगे, ठीक है। यानी कि नेक्स्ट वीडियो में आपकी पहले डिफिकल्टी सॉल्व की जाएंगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए जल्दी से इसको क्या कीजिए, कॉपी कीजिए। तो मैं इसको मिटा के क्या कर देता हूँ, अल्गोरिदम लिख देता हूँ, अल्गोरिदम एक्सप्लेन कर देता हूँ और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो ये हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा इसी क्लास में। देखिए जैसे हमने अभी अभी इम्प्लीमेंटेशन देखा, तो अब हमें देखना है क्विकसॉर्ट का अल्गोरिदम। पर होता क्या है कि ये जो क्विकसॉर्ट का अल्गोरिदम है, ये एक क्विक नाम की प्रोसीजर यानी कि सब अल्गोरिदम यूज करता है, वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है प्रोसीजर क्विक, ठीक है। तो चलिए काम करते हैं, पहले हम ये क्विक नाम की जो प्रोसीजर है वो देख लेते हैं, जो क्या करती है, रिडक्शन स्टेप फॉलो करती है। इट मीन्स कि वो जो जैसे कि हमारा एक सब लिस्ट है, वो सब लिस्ट को हम कैसे उसको रिड्यूस करके वो फर्स्ट एलिमेंट को प्रॉपर पोजिशन पर लेके आते हैं, ये काम कौन करता है, क्विक नाम की प्रोसीजर। यानी कि इसको हमने जो भी सब लिस्ट प्रोवाइड की, देखिए इनिशियली तो हम इसको पूरी लिस्ट प्रोवाइड करेंगे, पर वो दो में डिवाइड हो जाएंगी, फिर वो चार में हो जाएंगी डिवाइड, फिर वो आठ में, ऐसा होते जाता है। अब आपको ये इम्प्लीमेंटेशन समझा हुआ है, ठीक है। तो ये प्रोसीजर क्या करेंगे, ये प्रोसीजर को हम जो भी सब लिस्ट देंगे, ये उसको क्या कर देगा, सॉल्व कर देगा, यानी कि रिड्यूस कर देगा, यानी कि पहला एलिमेंट अपनी प्रॉपर पोजिशन पर लेके आ जाएगा और उसको दो सब लिस्ट में डिवाइड कर देगा, ठीक है। कैसे, आइए देखते हैं कैसे। प्रोसीजर क्विक ए एन बिगनिंग एंड लोकेशन, यानी ये वो प्रोसीजर के पैरामीटर्स है, वो प्रोसीजर को क्या पैरामीटर्स पता होने चाहिए। ए नाम का अरे विथ एन एलिमेंट्स, ये उसको देना है हमें। बिगनिंग और एंड, कि भाई वो कहाँ से शुरू करना है हमें, कि भाई पहला पोजीशन कौन सा, जैसे कि इनिशियली अगर हम पूरा अरे प्रोवाइड कर रहे हैं तो बेटा 1 और 12 हमें देना पड़ेगा इनिशियली। और लोकेशन, लोकेशन यानी क्या, जो वो हमारा पहला एलिमेंट है, ठीक है, उसकी पोजीशन को ट्रैक करने के लिए, भाई वो कहाँ पे है, उसके लिए हमारे पास क्या है, एक एलओसी नाम का वेरिएबल, कि भाई जो पोजीशन यानी कि पहला एलिमेंट है वो सब लिस्ट का, वो प्रॉपर पोजीशन एक्वायर करेगा, यानी बीच में कहीं आने वाला है, जैसे कि ये 44 एट लास्ट शायद चौथी पोजीशन पे आया था, तो एलओसी में एट लास्ट क्या रहेगा, 4 रहेगा, ठीक है। आई बात समझ में, यानी कि पहले एलिमेंट की पोजीशन को ट्रैक करने के लिए हमने एक एलओसी नाम का वेरिएबल वहां पे लिया हुआ है, आ रही है बात समझ में। चलिए आइए देखते हैं क्या है। फर्स्ट स्टेप, सेट लेफ्ट इक्वल्स टू बिगनिंग, राइट इक्वल्स टू एंड, यानी ऐसा समझिए भाई मैंने ये पूरा अरे पास किया हुआ है, तो लेफ्ट में 1 आ गया, राइट में क्या आ गया, 12, और एंड LOC equals to beginning, यानी कि ये जो 44 वाला पोजीशन है 1, LOC में क्या आ गया, फिलहाल 1 आ गया है, ठीक है। यानी कि ये पूरा का पूरा अरे हमने वहां पे प्रोवाइड कर दिया। देखिए लेफ्ट में क्या आ गया, 1, राइट में क्या आ गया है, एंड यानी कि 12, और LOC में क्या आ गया है, 1, ठीक है। ये पहला पोजीशन, इसको मैं क्या कर देता हूँ, राउंड, ये LOC वाला एलिमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, ये पहली स्टेप इनिशियलाइजेशन। सेकंड, स्कैन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, बेटा हम यही तो कर रहे थे, राइट टू लेफ्ट स्कैन कर रहे थे। अच्छा, कर क्या रहे थे हम, मालूम है आपको, हम 44 से छोटा एलिमेंट ढूंढ रहे थे। देखिए 66 छोटा है, नहीं, 88 छोटा है, नहीं, 22 छोटा है, यस। तो मैं बोलता था भाई इस पे ओवरलाइन कीजिए। देखिए ओवरलाइन और अंडरलाइन का कंसेप्ट हमारे एल्गोरिथम में नहीं है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए, आपकी सिंप्लिसिटी के लिए मैंने आपको इस तरीके से बताया, सो देट वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। पर वो आप मनी मन में ऐसा अज्यूम कीजिए कि वो अंडरलाइन, यानी वो 22 एलिमेंट है, ठीक है। यानी जब हम राइट टू लेफ्ट स्कैन करेंगे तो 44 से छोटा एलिमेंट देखेंगे, और अगर छोटा एलिमेंट हमारा 44 के बाद आता है तो हम उनको इंटरचेंज करते हैं। आइए देखते हैं एल्गोरिथम में क्या लिखा है। स्कैन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, रिपीट व्हाइल ए ऑफ LOC इज लेस देन इक्वल्स टू ए ऑफ राइट एंड LOC नॉट इक्वल्स टू राइट। देखिए ये LOC नॉट इक्वल्स टू राइट, ये कंडीशन को स्किप कर दीजिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे ए के एलिमेंट्स क्या लिए हुए हैं, पूरे के पूरे यूनिक लिए हुए हैं, यूनिक लिए हुए यानी डिस्टिंग लिए हुए हैं, ठीक है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि जैसे यहाँ पे 33 है, यहाँ पे फिर से 33 आ जाए, तो तब उस कंडीशन का यूज हो सकता है। पर ये सेकंड कंडीशन आप नहीं भी लिखोगे LOC नॉट इक्वल्स टू राइट, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर हमारा वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब वो क्यों लिखा हुआ है वो मैं आपको बाद में फिर से बताऊंगा, या आपको खुद से ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल आप ऐसा समझिए कि ये LOC नॉट इक्वल्स टू राइट और यहाँ पे ये लेफ्ट नॉट इक्वल्स टू एक और रहेगा ना थर्ड स्टेप में, हाँ ये लेफ्ट नॉट इक्वल्स टू LOC, ये अगर आपने नहीं लिखा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम वहां पे डिस्टिंग एलिमेंट्स ही ले रहे हैं, ठीक है। ज्यादा डिटेल में फिलहाल हमें जाना नहीं है, आपको अच्छे से समझना चाहिए कॉम्प्लेक्सिटी इंप्लीमेंटेशन, यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए इधर रिपीट व्हाइल, ठीक है, कब तक रिपीट करना है, सीए की कंडीशन ए ऑफ LOC लेस देन इक्वल्स टू ए ऑफ राइट। अबे भाई राइट में क्या है, यहाँ पे राइट में 12th है, तो मुझे बताइए अरे का 12th एलिमेंट 66, ये 66 है, यहाँ पे ए ऑफ LOC 44, मुझे बताइए 44 इज लेस देन इक्वल्स टू 66, यस।
तो राइट इक्वल्स टू राइट माइनस वन, यानी कि राइट क्या हो जाएगा 11। फिर से बताइए 44 इज लेस देन 88, यस, तो राइट इक्वल्स टू राइट माइनस वन हो जाएगा, यानी कि राइट में क्या आ जाएगा 10। ठीक है, अब बताइए क्या आ जाएगा 44 इज लेस देन 22, इनकरेक्ट, तो यानी कि हम लूप से कहां आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, लूप से बाहर आ गए, तो मुझे बताइए वहां पे जो राइट एलिमेंट है राइट में क्या है फिलहाल 10 है। ठीक है, अब देखिए इधर इफ LOC इक्वल्स टू राइट देन रिटर्न, यानी कि अब देखिए LOC इक्वल्स टू राइट यानी कि अगर हमारा वही सेम एलिमेंट आता है तो उसको क्या कर दीजिए, रिटर्न कर दीजिए। ये काहे के लिए लिखा हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया था वो एक ही एलिमेंट बचता है। ठीक है, तो अब मुझे बताइए इफ LOC इक्वल्स टू राइट देन रिटर्न, अरे भाई क्या LOC इक्वल्स टू राइट है क्या? नहीं, LOC हमारा क्या है, LOC में तो हमारा क्या है 4 है, ओ सॉरी LOC हमारा कौन सी पोजीशन पे है, LOC तो हमारा फर्स्ट पोजीशन पे है यानी 44, तो LOC में 1 है और राइट क्या है हमारा 10 है, तो ये दोनों इक्वल है क्या? बिल्कुल नहीं, अगर इक्वल रहते थे तो हम क्या कर देते थे, रिटर्न कर देते थे, यानी आगे बढ़ जाते थे एल्गोरिथम में। If now करना क्या है, if a of LOC यानी क्या 44 is greater than a of right, a of 10 यानी कि 22 से बड़ा है 44, yes, then interchange, देखिए interchange कैसे करते हैं आपको मालूम है, पहले a of LOC temporary में डाल दीजिए, फिर a of right की value a of LOC में डाल दीजिए, फिर temporary की value a of right में डाल दीजिए। देखिए अब ये interchange का logic तो मैं आपको सिखाने वाला नहीं हूँ। ठीक है, पहला एलिमेंट पहले दूसरे टेम्प्रेरी में डाल दीजिए, फिर दूसरा एलिमेंट पहले में डाल दीजिए, फिर टेम्प्रेरी वाला एलिमेंट दूसरे में डाल दीजिए, अभी क्या इंटरचेंज सिखाऊं अभी मैं आपको? ठीक है, तो क्या हो गया, अगर 44 हमारा बड़ा है 22 से तो क्या कर दीजिए, इंटरचेंज कर दीजिए। ठीक है, इंटरचेंज कर दिया, इंटरचेंज करने के बाद क्या, सेट LOC इक्वल्स टू राइट, भाई अब ये इंटरचेंज कर दिया तो मुझे बताइए क्या ये ऐसा नहीं हुआ 22 33 11 55 77 90 40 60 99 44 88 66, यानी कि मुझे बताइए 44 कहाँ पे आ गया, 10th पोजीशन पे। अब इसीलिए तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सेट LOC इक्वल्स टू राइट, यानी कि राइट वाली वैल्यू क्या में डाल दीजिए LOC में, यानी अब LOC में कितना आ जाएगा भाई 10 आ जाएगा, ये राइट वाली वैल्यू LOC में आ जाएंगी। गो टू स्टेप थ्री थर्ड स्टेप पे जाइए, अबे थर्ड स्टेप पे जाइए तो थर्ड स्टेप क्या बोलेंगी, स्कैन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अबे मुझे बताइए पहले कि भाई मैं जब लेफ्ट टू राइट स्कैन करता था तब मैं करता क्या था, तब मैं करता था यानी कि ये जो 44 है इससे बड़ा एलिमेंट ढूंढते थे। बताइए 22 बड़ा है, नहीं। 33 बड़ा है क्या 44 से, नहीं। 11 बड़ा है क्या, नहीं। 55 बड़ा है, मैं इस पर अंडरलाइन कर देता हूँ, और अगर ये अंडरलाइन वाला एलिमेंट से पहले आता है तो हम इंटरचेंज करते हैं, देखते हैं एल्गोरिथम क्या बोलता है। रिपीट व्हाइल ए ऑफ लेफ्ट इज लेस देन ए ऑफ LOC एंड लेफ्ट नॉट इक्वल्स टू LOC, इसको फिलहाल स्किप कीजिए, कब तक रिपीट करना है, व्हाइल ए ऑफ लेफ्ट इज लेस देन इक्वल्स टू ए ऑफ LOC। अब ए ऑफ LOC में क्या है 10, यानी यहाँ पे क्या है हमारा A of LOC यानी कि A of 10 कितना 44, यहाँ पे 44 आ गया। A of left इनिशियली शुरू होगा यहाँ से, बताइए 22 छोटा है इससे, यस छोटा है, आगे जाइए 33 आगे जाइए, यानी कि लेफ्ट इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस 1 कर दिया, तो बेटा इधर आ गया ये 2, तो 33 इज लेस देन 44, यस। 11 इज लेस देन 44, यस। तो बेटा लेफ्ट हो गया हमारा लेफ्ट प्लस 1, यानी कि लेफ्ट हो गया हमारा 4, तो बेटा यहाँ पे आ गया 55, बताइए 55 इज लेस देन 44, अरे बिल्कुल नहीं, तो हम ये लूप खत्म हो गया, लूप के बाहर आ गए अगली स्टेप पे, यानी कि अब हमारा क्या हुआ, लेफ्ट में हमारी वैल्यू क्या आ गई भाई, लेफ्ट में हमारी वैल्यू आ गई कितनी 4। ठीक है, चलिए लेफ्ट में वैल्यू 4 आ गई, यानी वो 55 वाला एलिमेंट हमें मुझे मिल गया ए ऑफ लेफ्ट पे, और ए ऑफ LOC पे क्या मिल गया हमारा 44। करना क्या है, इफ LOC इक्वल्स टू लेफ्ट, यानी कि बताइए 4 और 10 इक्वल है क्या, नहीं, अगर होते थे तो देन रिटर्न, एक ही एलिमेंट है तो रिटर्न कर दीजिए। इफ A of left is greater than A of LOC, अबे A of left यानी कि 55 हमारा बड़ा है 44 से, yes, तो then interchange किसको भाई, A of LOC और A of left को, interchange का logic मैं आपको नहीं बताऊंगा, interchange कर दीजिए, set LOC equals to left, अरे मुझे बताइए भाई मैंने ये interchange कर दिया, यानी ये 22, 33, 11, 55 की जगह पे क्या आ जाएगा 44, 77, 90, 40 और 60, 99, 55, 88, 66, तो मुझे बताइए इनका बोलना है इंटरचेंज करने के बाद लेफ्ट वाली चीज जिकाय में डाल दीजिए LOC में, यानी अब LOC कितना हो जाएगा, जितना लेफ्ट था, लेफ्ट कितना था भाई 4, तो ये हो जाएगा हमारा 4, एंड गो टू स्टेप 2, यानी कि फिर से स्टेप 2 पे जाइए, यानी फिर से कार्यक्रम शुरू कीजिए कि भाई फिर से राइट टू लेफ्ट स्कैन कीजिए, ऐसा चलते जाएगा और क्या होगा एट लास्ट
44 अपनी प्रॉपर पोजीशन एक्वायर कर लेगा। 44 प्रॉपर पोजीशन एक्वायर करने के साथ साथ क्या हो जाएगा, ये हमारा दो सब लिस्ट में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, पर ये तो हमारा क्या था, एक प्रोसीजर था। मेन एल्गोरिदम तो हमारे यहाँ लिखा हुआ है, क्या एल्गोरिदम है, देखिए एल्गोरिदम किक सॉर्ट, फर्स्ट टॉप इक्वल्स टू नल, किसका टॉप है, लोअर और अपर नाम के जो स्टैक है दोनों का, टॉप इनिशियली क्या है, नल है, जीरो है समझ लीजिए। ठीक है, इफ एन इज ग्रेटर देन वन, यानी कि अगर लिस्ट में एक से ज्यादा एलिमेंट है, देन टॉप इक्वल्स टू टॉप प्लस वन, लोअर ऑफ वन इक्वल्स टू वन, अपर ऑफ वन इक्वल्स टू एन, यानी कि मुझे बताइए पहली बार तो मुझे 1 और 12 पास करने पड़ेंगे ना यार, तो लोअर में क्या है 1 और अपर ऑफ 1 में क्या है 12। अरे यही तो सिखाया था मैंने आपको, ये ऐसा, ये लोअर नाम का ये है, ये अपर नाम का, ठीक है, अपर नाम का। तो पहले इनिशियली तो बेटा इसमें 1 और 12 है, ठीक है, डाल दिया 1 और 12, रिपीट स्टेप 4 to 7 व्हाइल टॉप नॉट इक्वल्स टू नल, जब तक ये दोनों के टॉप क्या हो जाते हैं, नल नहीं हो जाते, तब तक बार बार क्या करते जाइए, उसमें से पुश पॉप करते जाइए एक एक सब लिस्ट, उस पर ये क्विक नाम की प्रोसीजर लगाते जाइए, ऐसा ही है ना यार। ठीक है, नेक्स्ट, रिपीट स्टेप 4 to 7 व्हाइल टॉप नॉट इक्वल्स टू नल, ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है, सेट बिगनिंग इक्वल्स टू लोअर ऑफ टॉप, एंड इक्वल्स टू अपर ऑफ टॉप। अबे मुझे बताइए लोअर का टॉप और अपर का टॉप फिलहाल क्या है, 1 और 12, तो ये काय में डाल दीजिए भाई, ये आप डाल दीजिए काय में, बिगनिंग और एंड में। ठीक है, चलिए ये 1 और 12 एक्सट्रैक्ट कर दिए इधर से, और टॉप को कर दिया टॉप माइनस 1, क्योंकि एलिमेंट पॉप करते हैं तो टॉप को हम टॉप माइनस 1 कर देते हैं, और बिगनिंग और एंड में आ गया 1 और 12। तो बेटा बिगनिंग और 1 आ गया 12, तो अब हमें क्या करनी पड़ेगी, ये प्रोसीजर कॉल करनी पड़ेगी, कैसे, क्विक ए, यानी कि ए अरे का नाम, कितने एलिमेंट्स टोटल, 12, बिगनिंग और एंड क्या है 1 और 12, और लोकेशन, लोकेशन यानी कि फर्स्ट, ठीक है, लोकेशन इनिशियली क्या रहेंगी, पहला एलिमेंट ये हमने इधर पास किए, इसने हमें सॉल्व करके दिया, इसने हमें सॉल्व करके क्या दे दिया भाई, इसने हमें सॉल्व करके उसको 44 को प्रॉपर पोजीशन पे लाया और दो सब लिस्ट बना दी। पर भाई दो सब लिस्ट बना दी तो दो सब लिस्ट फिर से काय में जानी चाहिए, स्टैक में जानी चाहिए। अब ये स्टैक में क्यों रख रहे हैं बेटा, स्टैक में हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हमें बहुत सारी सबलिस्ट रखनी पड़ती है एक साथ, ठीक है, तो वो स्टैक क्या करेगा, उनका रिकॉर्ड, उनकी ट्रैक मेंटेन करेगा भाई, पहले कौन सा पुश हुआ है, फिर उसके रिवर्स ऑर्डर में एक एक पॉप करते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे, यानी कि हमें सब लिस्ट यानी कि स्टोर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, स्टैक का यूज कर रहे हैं, क्योंकि स्टैक हमारा एक ट्रैकिंग यानी कि उसको एक सीक्वेंस मेंटेन करेगा कि आपने पहले कौन सी पुश की हुई है, उसके रिवर्स ऑर्डर में उसमें से एक एक निकालते जाएगा सब लिस्ट और उसको सॉर्ट करते जाएगा, क्विक नाम का प्रोसीजर। ठीक है, चलिए ये तो हो गया, 44 प्रॉपर पोजीशन पे आ गया। तो मुझे बताइए 44 प्रॉपर पोजीशन पे आ गया तो वो ऐसा आया था शायद से, ये दिख रहा है, ये सभी को विजिबल है, 44 शायद से चौथी पांचवी पोजीशन पे आया था, 1 2 3 4 एलिमेंट उसके पहले भी थे और उसके पीछे भी बहुत सारे एलिमेंट्स थे, आई थिंक कि ये 1 से लेके 4 तक, और ये पांचवा एलिमेंट, और ये 6 7 8 9 10 11 12, यानी ऐसा था 12 तक। ठीक है, यानी जो दो सब लिस्ट आएंगी वो एक आएंगी 1 से लेके 4 तक और एक आएंगी हमारी 6 से लेके 12 तक, ये मुझे कहाँ पुट करना है, लोअर और अपर में पुश करना है। तो देखिए कर क्या रहे हैं हम, पुश कर देंगे, ये पांचवी स्टेप हो गई, हमने कॉल किया, दो सब लिस्ट बन गई। अब देखिए इधर, इफ बिगनिंग इज लेस देन एलओसी माइनस 1, अब एलओसी में कौन है, 44 कहां पे है, पांचवी पोजीशन पे, तो पांचवी पोजीशन में से एक घटा दिया, यानी कि क्या हो गया ये 4, यानी कि ये हो गया एलओसी माइनस 1 कितना हो गया भाई 4। तो बेटा बिगनिंग हमारा क्या है, 4 से छोटा है, बिगनिंग तो बेटा 1 है, अरे हाँ छोटा है भाई, बिगनिंग क्या है हमारा छोटा है, यानी वो सब लिस्ट एक वैलिड है, वो एक एलिमेंट की सब लिस्ट नहीं है, बड़ी है। तो क्या कर दीजिए, देन टॉप इक्वल्स टू टॉप प्लस 1, टॉप बढ़ा दीजिए, और लोअर ऑफ टॉप इक्वल्स टू बिगनिंग और अपर ऑफ टॉप इक्वल्स टू एलओसी माइनस 1, यानी कि यहां पे डाल दीजिए बिगनिंग और यहां पे एलओसी माइनस 1, 5 माइनस 1 4। देखिए मुझे बताइए कि ये पहली सब लिस्ट वहां पे गई कि नहीं गई, गई 1 और 4, ठीक है। दूसरी सब लिस्ट देखिए, नेक्स्ट सातवीं स्टेप, इफ एलओसी प्लस 1 इज लेस देन एंड, यानी कि एलओसी प्लस 1 यानी 5 प्लस 1 6, अबे 6 हमारा 12 से छोटा है, यस, यानी कि वो जो सेकंड सब लिस्ट है वो 1 एलिमेंट से क्या है, बड़ी है, उसमें एक एलिमेंट नहीं है, अबे एक से बड़ी एलिमेंट रहेंगे, यानी सब लिस्ट में एक से ज्यादा एलिमेंट रहेंगे तो ही तो पुश करना है। तो बेटा मुझे अब ये 6 और 12 उसमें डालना है, तो देखिए करना क्या है, पहले तो टॉप इक्वल्स टू टॉप प्लस 1, क्योंकि मुझे यहां पे टॉप किया, फिर हमने ये इंसर्ट किया, अब हमने टॉप प्लस 1 यानी कि तीसरी पोजीशन पे आ गए। ठीक है, नेक्स्ट तीसरी पोजीशन पे क्या इंसर्ट करना है, 6 और 12, देखिए कैसे इंसर्ट किया इसने,
लोअर ऑफ टॉप इक्वल्स टू बिगनिंग, ठीक है, अरे भाई लोअर ऑफ टॉप इक्वल्स टू बिगनिंग और अपर ऑफ टॉप इक्वल्स टू एलओसी माइनस, एक मिनट रुक जाइए, ये तो बेटा हमने पहली वाली कर ली ना, सेकंड वाली देखिए, इफ LOC plus 1 is less than end, यानी कि ये 6 is less than 12, हाँ भाई ये 6 is less than 12 है, यानी एक एलिमेंट से ज्यादा है, तो करना क्या है, top equals to top plus 1, lower of top क्या करना है, LOC plus 1, अबे LOC plus 1 यानी कि 6, यहाँ पे क्या आ गया 6, and upper of top equals to end, यानी कि 12, यहाँ पे क्या कर दिया हमने, 12 इंसर्ट कर दिया, अरे आई क्या बात समझ में, देखिए ये जस्ट लाइक जैसे कि आपने ये भी देखा होगा, क्या बोलते हैं इसको, बाइनरी सर्च में भी हम ऐसा करते थे, पहली एक लिस्ट हो जाती थी मिड माइनस वन यानी स्टार्टिंग से, और दूसरी लिस्ट हो जाती थी मिड प्लस वन से लेके एंड तक, तो बेटा ये तो सेम कंसेप्ट हुआ ना, ठीक है, चलिए ये मैंने 6 और 12 वहाँ पे डाल दिया और ये क्या कर दिया एग्जिट, यानी कि ये प्रोसीजर बार बार क्या कर रही है, उसको सब लिस्ट प्रोवाइड कर रही है, फिर जो न्यू सब लिस्ट बन रही है उनका रिकॉर्ड ट्रैक कर रही है, और जब तक स्टैक खत्म नहीं होगा, देखिए लिखा था मैंने ये टॉप इक्वल्स टू नल ले लिया था इनिशियली, और ये प्रोसीजर कहाँ तक फॉलो चल रही है, रिपीट स्टेप 4 to 7 वाइल टॉप नॉट इक्वल्स टू नल, यानी जब तक वो लोअर और अपर नाम के अरे खाली नहीं हो जाते हैं, अरे बोल रहा हूँ तो स्टैक खाली नहीं हो जाते, तब तक ये बार बार क्या करेगा, इधर सब लिस्ट भेजते रहेगा, सॉल्व करते रहेगा, एट लास्ट क्या हो जाएगा, वो पूरे आंसर्स क्या किए जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे, और वो हमारा क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएंगे, यानी कि एलिमेंट अपनी प्रॉपर पोजीशन पे आ जाएंगे, ठीक है, आई बात समझ में, जैसे पहले पास में क्या आ गया था, फोर्थ पोजीशन पे 44 आ गया था, ठीक है, उसके बाद सेकंड यानी कि सेकंड जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे, अब देखिए यहाँ से क्या पॉप होगा, 6 to 12, आपको याद होगा तो मैंने ये 6 to 12 जब ये किया था, सॉल्व किया था, तो 6 to 12 सॉल्व करने के बाद 90 था शायद, वो अपनी प्रॉपर पोजीशन पे आ गया था, ठीक है, वो अपनी प्रॉपर पोजीशन पे आते जाएंगे, और एट लास्ट जो अरे बनेगा वो क्या रहेगा, हमारा फाइनल आंसर रहेगा। आई होप आपको ये एल्गोरिदम समझ में आ गए होंगे, किसी को लग रहा है भाई सर ने बहुत ही स्पीड पढ़ाया तो आप वो वीडियो में स्पीड कम कर दीजिए, हाँ मैं इतना जरूर रिकमेंड करूंगा आपको कि ये एक बार में नहीं समझता है, आप बैक जाके ये दोनों का डिस्क्रिप्शन जो मैंने अभी अभी दिया हुआ है वो आप फिर से देखिए, ठीक है, आइए देखते हैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, ये मिटा देता हूँ मैं, ये स्टैक आपको पता ही है, ये कोई इतना डिफिकल्ट पार्ट नहीं था, लोअर और अपर में कैसे हमने ये वैल्यूज़ क्या की, इंसर्ट की, ये फर्स्ट सब लिस्ट के लिए 0.6 0.7 सेकंड सब लिस्ट मैंने इंसर्ट की हुई है, ठीक है, चलिए देखिए कॉम्प्लेक्सिटी क्या, कॉम्प्लेक्सिटी तो बेटा दो आएंगी यहाँ पे, एक आएंगी वर्स्ट केस और एक आएंगी हमारी एवरेज केस, बेटा वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएंगी और कब आएंगी, वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी तब आएंगी जब अरे हमारा क्या रहेगा ऑलरेडी सॉर्टेड रहेगा, तो क्या हो जाएगा मालूम है, देखिए इधर क्या होगा, जैसे पहला एलिमेंट पहली पोजीशन पे आएगा, यानी इसके पहले वाली फर्स्ट सब लिस्ट बनेगी नहीं, सेकंड सब लिस्ट बनेगी हमारी एन माइनस वन की, ठीक है, फिर से सेकेंड एलिमेंट इसी पोजीशन पे आएगा, इसके पहले कोई लिस्ट बनेगी नहीं और ये पीछे के n माइनस टू एलिमेंट्स की लिस्ट बनेगी, ठीक है, क्योंकि अरे तो ऑलरेडी सॉर्टेड है, तीसरी बार में भी ऐसा ही होगा, ये तीसरा एलिमेंट अपनी खुद की जगह पे ऑलरेडी था वहीं आएगा, इसके पहले की सब लिस्ट बनेगी नहीं, दूसरी सब लिस्ट बनेगी n माइनस थ्री एलिमेंट्स की, अच्छा तो बेटा ऐसी कितनी लिस्ट बनेगी, ऐसे पहले n, यानी कि ऐसी n लिस्ट बनेगी, अच्छा हर एक लिस्ट में कितने कंपेरिजन लगेंगे भाई, n कंपेरिजन लगेंगे, यानी कि ऐसा हो क्या रहा है, जैसे भाई पहली बार n कंपेरिजन लगेंगे क्योंकि n एलिमेंट्स है, दूसरी बार n माइनस वन कंपेरिजन लगेंगे, तीसरी बार n माइनस टू, ठीक है, ऐसा करते करते 3, 2, 1 तक, यानी क्या होगा, अगर अरे ऑलरेडी सॉर्टेड है तो हर बार क्या होगा भाई, हर बार हमारे एक एक एलिमेंट कम की क्या बनते जाएंगी, सब लिस्ट बनते जाएंगी, हर एक सब लिस्ट उसमें जितने एलिमेंट है उतनी कंपैरिजन लेने वाला है, यानी पहली बार n, दूसरी बार n माइनस वन, तीसरी बार n माइनस टू, अप टू सो ऑन 3 to 1, तो बेटा इसको हम सॉल्व कर देते हैं, तो इसका आखिरी एलिमेंट n, इसका एक nth एलिमेंट से एक ज़्यादा, n प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, यानी ये हो जाएगा फाइनली n स्क्वायर बाई टू प्लस n बाय टू, तो बेटा ये हो जाएगा बिग ओ ऑफ n स्क्वायर प्लस बिग ओ ऑफ n, तो बेटा इन दोनों में से मैक्सिमम कौन, तो वो आ जाएगा बिग ओ ऑफ n स्क्वायर, यानी कि बिग ओ ऑफ n स्क्वायर, यानी कि ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर में इसकी क्या आएंगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएंगी किसकी,
वर्स्ट केस में, वर्स्ट केस में यानी आप बोल सकते हो कि एफ ऑफ एन यानी कि नंबर ऑफ कंपेरिजन्स, नंबर ऑफ कंपेरिजन इज बिलोंग्स टू बिगो ऑफ एन स्क्वायर, यानी वो एन स्क्वायर से इक्वल या फिर लेस आएंगे। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है ये मैंने सिखाया था, बिगो ओमेगा थीटा क्या होते हैं बता चुका हूँ मैं, बिगो होता है अपर बाउंड। ठीक है, याद आ रहा है कुछ, आ जाएगा, याद नहीं आ रहा है तो फिर से जाके देखिए वीडियो। ठीक है, एवरेज केस, अब देखिए एवरेज केस क्या हुआ, देखिए जैसे कि मैं बोलता हूँ कि भाई ये अरे हमारे क्या है, अगर रैंडमली सॉर्ट किया हुआ है तो रैंडमली सॉर्ट किया हुआ है हमारा अरे, यानी कि वो सॉर्ट नहीं है, यानी कि रैंडमली एलिमेंट्स हमें दिए गए हैं। तो हो क्या रहा है मुझे बताइए कि भाई मैं बोलता हूँ एक पास में मैक्सिमम एन कंपेरिजन्स लग रहे हैं, ठीक है, पर मुझे एक बात बताइए जैसे ही पहला पास कंप्लीट हुआ वो हमारा जो ये है अरे वो दो सबलिस्ट में डिवाइड हुआ, फिर ये दो सबलिस्ट चार में डिवाइड हुई, तो बेटा ये चार एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर पोजिशन पर आ जाएंगे। अब फिर ये चार आठ में डिस्ट्रीब्यूट हुई, यानी कि ये आठ यानी सब ये चार सबलिस्ट जब सॉल्व हुई तब उसमें से एट सबलिस्ट बन गई, और एट सबलिस्ट जब सॉल्व हुई तब एट एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर पोजीशन पे आ गए। यानी हो क्या रहा है इसकी जो स्टेप्स है ये स्टेप्स कैसे इंक्रीज हो रही है, एक में से दो सबलिस्ट यानी दो पोजीशन प्रॉपर पोजीशन पे आ जाएंगे, दो में से चार यानी अब चार सॉल्व होंगी तो चार एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर पोजीशन पे आ जाएंगे, चार में से आठ यानी ये टू के पावर में इंक्रीमेंट हो रहे हैं। तो इसको कैसे लिखा जाता है कि कितनी स्टेप्स लगने वाली है भाई वहां पे, वहां पे लॉग ऑफ एन स्टेप्स लगने वाली है, यानी जैसे कि वहां पे अगर 12 है तो लॉग ऑफ 12 इतनी स्टेप्स लगने वाली है। अबे हर एक स्टेप में कंपैरिजन कितने, हर एक स्टेप में कंपैरिजन कितने एन, यानी कि लॉग एन नंबर ऑफ पासेस लगेंगे और हर एक पास में मैक्सिमम एन कंपैरिजन लगेंगे। तो बेटा बिगो ऑफ एन लॉग एन हमारी क्या होती है, इसकी एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी आती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। आई बात समझ में, ये लॉग एन क्यों, और लॉग एन भी कौन सा, टू द बेस टू, क्योंकि हर बार एलिमेंट्स क्या हो रही जा रही है लिस्ट, एक की दो हो रही है, दो की चार हो रही है, चार की आठ हो रही है, आठ की सोलह हो रही है, यानी एक में से दो, दो में से चार, चार में से आठ, जब दो सॉल्व होंगी तब दो एलिमेंट अपने प्रॉपर पोजिशन पर आ जाएंगे, जब चार सॉल्व होंगी तब चार एलिमेंट अपने प्रॉपर पोजिशन पर आ जाएंगे, जब एट सब लिस्ट सॉल्व होंगी तब एट एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर पोजिशन पर आ जाएंगे, यानी कि तीसरी चौथी बार में, तीसरी बार में, चौथी बार में 16 एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर पोजीशन पे आ जाएंगे, यानी कि पासेस कितने लगने वाले हैं लॉग एन, एक पास में कितने कंपैरिजन एन, तो टोटल कंपैरिजन कितने लगेंगे, एफ ऑफ एन बिलोंग्स टू बिग ओ ऑफ एन लॉग एन टू द बेस टू। तो बेटा एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी एन लॉग एन क्विक सॉर्ट की, और वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि जब अरे ऑलरेडी सॉर्टेड रहेगा तब वर्स्ट केस बनेगी, तब कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर। देखिए वर्स्ट केस में तो ये बिहेवियर इसका तो ऐसा हो गया ना यार कि बबल सॉर्ट भी हमारा क्या ले रहा था, बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर ही ले रहा था, तो बेटा इसका वर्स्ट केस लोगे तो बेटा बबल सॉर्ट और इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कोई फर्क हुआ ही नहीं है, पर रैंडम एलिमेंट्स लोगे एवरेज केस कंसिडर करोगे तो वहां पे बबल सॉर्ट में क्या होता था कि वहां पे एवरेज में भी बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर टाइम लगता था, यहां पे एवरेज केस में एन लॉग एन टाइम लगेगा, स्लाइटली डिफरेंस है। ठीक है, वो भी डिफरेंस क्या है मैं आपको सी की वैल्यू भी बता देता हूं, नियर अबाउट 1.4 एन लॉग एन इस प्रकार से आया था। तो ये जो हमारा ये है बेटा ये तो सी की वैल्यू है, जैसे मैंने आपको बिगो की डेफिनेशन बताई थी एफ ऑफ एन इज लेस देन इक्वल्स टू सी टाइम्स जी ऑफ एन, तो सी की वैल्यू जो यहाँ पे आती है वो 1.4 आती है। मैंने बोला था आपको एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ग्राफ हमारा हमेशा ऊपर जाएगा तो वो पॉइंट हमारा क्या होता है, सी होता है। ठीक है, कोई कोई बुक उसको के से भी रिप्रेजेंट करते हैं, मैं सी से करता था, कोई बात नहीं, चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा। एक काम कीजिए जल्दी से वीडियो को पॉज करके ये कॉपी कर लीजिए, तो इसके बाद वाला टॉपिक हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, वो भी रिकर्शन।